अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो हमने बनाई थी कि जो लोग क्लोबीवेट क्रीम इस्तेमाल करते हैं अपने हाथ और पाँव की वाइटनिंग के लिए, तो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दुनिया भर में कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट है, जो स्किन का स्पेशलिस्ट है या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड का बंदा है, वो आपको कभी भी मशवरा नहीं देगा कि आप क्लोबीवेट क्रीम को, जो स्टीरॉइड क्रीम है, आप उसको हाथ और पाँव की वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करें या किसी और जो आप जिसम के हिस्से की वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। आप जब इस्तेमाल करते होते हैं तो आपको फील होता है कि ये वाइटनिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद के जो आफ्टर यूज साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपकी स्किन ना डल हो जाती है, आपकी स्किन में रिंकल आ जाती है, स्किन पतली हो जाती है, इसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कौन सी क्रीम ऐसी हैं जो कि सेफ़ होती हैं आपके हाथ और पाँव की वाइटनिंग के लिए। अगर आपको हाइपरपिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं या वैसे आपने फेयरनेस करनी है, तो कौन सी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद और साइड इफेक्ट्स, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, आपको हर जगह से मिल जाती हैं, उनमें कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि सेफ होते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते और स्टीरॉइड फ्री होते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि आपके जो हाथों की डार्कनेस है ये ज़्यादा क्यों डार्क होते हैं, आपके पंख क्यों ज़्यादा डार्क होते हैं आपके फेस या आपके जिस्म की निस्बत में, क्योंकि जो सन रेज होती हैं सबसे बड़ा मसला है, सन टैनिंग होती है, ये सबसे बड़ा मसला करती हैं हाथों की डार्कनेस का या पाँव की, जो आपके फीट एंड की डार्कनेस का टैनिंग जो होती है, सन टैनिंग। ठीक है, लोग अपने फेस पे तो लगा लेते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं या उसको कपड़े से डांप लेते हैं, आपका जिसम भी डांपा होता है, तो सन रेज पेनिनेट नहीं करती तो आपका जो कलर है वो डार्क नहीं होता, लेकिन लोग जो अपने हाथों और पाँव को खुला रखते हैं तो जिसकी वजह से सूरज की छुआएँ डायरेक्ट पड़ती हैं तो डार्कनेस आती है। तो आप जब भी बाहर निकलें तो अपने फेस की तरह या तो आप इनमें ग्लव्स इस्तेमाल करें हाथों पे, पाँव में आप सॉक्स इस्तेमाल करें या फिर यहाँ पे भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें अगर आपने ओपन रखना है। ठीक, दूसरे नंबर पे डेड स्किन जमा होती है, जब लोग कुछ लोग अपने हाथों और पाँव को स्क्रब नहीं करते, महीना महीना, दो दो महीने, तीन तीन महीने इनको स्क्रब भी नहीं करते। ठीक है, जो कोई भी आपके पास स्क्रब है या आप घर पर भी स्क्रब बना सकते हैं, आप इनको कम अज़ कम वीक में एक दफ़ा स्क्रब लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो उतर जाए और वहाँ पे डार्कनेस ना आए या फिर हाइपरपिगमेंटेशन ना हो या फिर इस तरह के डार्क स्पॉट्स ना बने। तो चलते हैं जी, कौन सी क्रीम ऐसी होती हैं जो कि सेफ़ होती हैं, जो वाइटनिंग होता है, जो हाइपरपिगमेंटेशन, मलाजमा, डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल्स की ट्रीटमेंट होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, होती है पीलिंग, स्किन को रिमूव कर दें, जो आपकी कैराटिन की लेयर है ऊपर वाली इसको रिमूव कर दें केमिकल पीलिंग से या फिर फिजिकल पीलिंग से, या फिर होती है नॉन पीलिंग। केमिकल पीलिंग में ये इफेक्टिव होता है, जल्दी असर आता है, आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये है ग्लाइकोलिक एसिड 15%। ठीक है, इसमें विटामिन ए, सी, ई है, Q10 है, ये आपको पाकिस्तान से बाहर तो हर जगह से मिल जाता है, अमेरिकन ब्रांड है। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको ग्लाइकोएड क्रीम मिल जाती है या फिर अल्फा ग्लो क्रीम है 10%, उसमें होता है ग्लाइकोलिक एसिड होता है, विटामिन सी होती है या उसके में मिक्स होता है। ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पीलिंग करती है आपकी स्किन को, हाइपरपिगमेंटेशन है, ठीक है, डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल पीलिंग में, या फिर आप रेटिनोल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन ने क्रीम आती है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप रात को लगा सकते हैं जहाँ पर आपको डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये होती है केमिकल पीलिंग। ठीक है, लेकिन इसका ये होता है कि आपने इसमें सनस्क्रीन लाजमी है सुबह के टाइम में जब आप बाहर निकलते हैं, या फिर ग्लव्स पहने, सन रेज आपको हाथों या पाँव पर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाती है नॉन पीलिंग, तो नॉन पीलिंग आप कोई भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हों, आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे अल्फा रूबुटीन, किसी भी क्रीम में अल्फा रूबुटीन है या फिर खाली उसमें अल्फा रूबुटीन है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कोई क्रीम विटामिन सी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथ या पाँव पर वाइटनिंग के लिए, फेयरनेस के लिए। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन क्रीम होती है, आप 2% इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथों या पाँव के लिए। इसके अलावा कोजिक एसिड क्रीम कोई भी है, कोई भी ब्रांड है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हाथ या पाँव के लिए। जो तीन चार क्रीम है इनका सारा जो मकसद होता है, इनका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये जो मेलन पिगमेंट बनने का अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको स्टॉप कर देती है, ये टायरोसिनोज एंजाइम होता है उसको ब्लॉक कर देती है। मेरे पास ये है यूसीरिन का इवन पिगमेंट परफेक्टर, इसमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, ये भी हाइड्रोक्लोरिन का प्रिकर्सर है। ठीक है, उसमें विटामिन नहीं है, वो लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है। ठीक, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान से बाहर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर आप लेना चाहें ऑनलाइन तो मिल जाता है, बहुत सी ऑनलाइन सेल करते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये है सुस्किन, इसमें अल्फा रूबुटीन है, ठीक है, विटामिन नहीं है, ये भी पाकिस्तान से बाहर आपको आसानी से मिल जाता है, आप हाथों पाँव के इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये भी बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पाँव के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बॉडी के लिए और हाथ पाँव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान में बात करें तो आपको बायोफिट क्रीम मिल जाती है। बायोफिट क्रीम में प्रोटीन होता है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है, इसके अलावा उसमें कोजिक एसिड है, इसके अलावा उसमें विटामिन ई है। तो ये सेफ होती है, आप इसको कंटिन्यूसली 5-6 महीने साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा डर्मोटिन क्रीम है जिसमें विटामिन सी होता है, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट होता है, जिंक साइड होता है जो कि एज ए सनस्क्रीन काम करता है, अल्फा आर्बुटीन होती है और सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, ये सेफ क्रीम है। डर्मोटीन, बायोफेड, अल्फा ग्लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ग्लाइकोलेट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ होती हैं। लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी मोवेट क्रीम, बेटनोवेट क्रीम या फिर इस तरह की कोई क्लोबीवेट क्रीम आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। स्टीराइड है, आप जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको फील होगा ये वाइटनेस दे रहे हैं, क्योंकि जो वो जो मेलानिन पिगमेंट बनने का अमल होता है उसको स्टॉप कर देती हैं, उसको प्रोसेस को स्टॉप करती है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं उसका स्किन पतली होती है, आपकी जो स्किन है उसमें हाइड्रेशन नहीं होती तो क्या होता है, झुर्रियाँ पड़ती हैं और बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो आप जो इसको अवॉइड करें, क्योंकि यूट्यूब बड़ी पड़ी हुई है, कहते हैं जी क्लोबीवेट क्रीम इस्तेमाल करें, इसमें ये वाइटनिंग कैप्सूल इस्तेमाल करें, इसमें ये करें ये करें, आपको बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपकी सोच से भी ज़्यादा है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जब आप ट्रीटमेंट कर लें तो उसके बाद अपने हाथों को बार बार धोएं, दिन में आप 5 से 10 बार आपने साबुन से हाथ लाजमी धोएं ताकि आपकी जो मायल कुचैल है वो उतर जाए, डेड स्किन भी जमा ना हो। उसके अलावा मॉइस्चराइज़र लाजमी इस्तेमाल करें हाथ धोने के बाद, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले लें, फ्रेगरेंस फ्री हो, सनस्क्रीन आप लाजमी करें। अगर नहीं करनी तो आप ग्लव्स पहनें या फिर इनको भी अपने हाथ और पाँव को डांपें, जब इस पर ऊपर कपड़ा होगा तो क्या होता है सन रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती। इसके अलावा क्या है कि हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आप जो स्क्रब लाजमी करें, कोई भी स्क्रब आपके पास है वो आप इसको लाजमी करें, तो आपके जो हाइपरपिगमेंटेशन दोबारा होने का अमल है वो रुक जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम।